गुड इवनिंग दोस्तों दोस्तों आज मेरे पास घड़ी ये है एम जी की जेड एस इवनी। अभी ये चार्जिंग पे लगी हुई है, देखिए गाइस ये इसका चार्जर। अभी ये 2022 वाला मॉडल है, तो फ्रंट से देख सकते हो भाई। सबसे पहले आप इसमें 360 कैमरा आ गया, अब हर साइड कैमरा आ गया और नीचे रडार सिस्टम आ गया। इसमें रडार्स की फीचर दे रखी है। तो इसके बाद आपको सामने से देखने को लगेगा कि ये एस्टर है। अभी इसका पुरानी शेप वाली ये है और न्यू शेप वाली ये है। सामने से ग्रिल ही ख़त्म कर दी है बिकॉज रेडिएटर नहीं है, तो ये मोटर है, स्टार्टर मोटर है, सिर्फ मोटर है, इसमें इंजन तो है ही नहीं। तो साइड प्रोफाइल की बात करें, यहाँ इलेक्ट्रिकल की बैचिंग मिल जाएगी। और मेरे को ये बात समझ नहीं आई, यहाँ आपको अलॉय व्हील तो मिलते हैं बट उसके ऊपर भी कवर मिलता है। ये देखिए सिल्वर वाले हैं बट चलो इसको डायमंड कट बना दिए। उसके बाद साइड से भी आपको बिल्कुल ही सेम एज एस्टर मिलेगी। बैक प्रोफाइल की बात करूँ तो बैक प्रोफाइल में भी आपको एस्टर जैसी ही पूरी कर दी उन्होंने। ये अभी फेस लिफ्ट हुई है, यहाँ आपको जेड एस ई वी की ब्रांडिंग मिलेगी। ऊपर शार्क फिन एंटीना सेम एज कर दिए उन्होंने जैसे कि एस्टर है। तो यहाँ आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा, 17 इंच आपको जो है टायर साइज़ मिलेगा। अभी गाइस चलते हैं अंदर से दिखाता हूँ आपको कि ये गाड़ी कैसी है। पुरानी वाली में ये वाले लोहे आते थे और न्यू वाली में ऊपर कैप डाल दिए। तो अंदर चलते हैं गाइस। सबसे पहले भाई इसका जो इंटीरियर है वो एस्टर है, तो एस्टर जैसा बट कुछ डिफरेंट है। बात करें इसकी सीट्स की, कुशन की, तो वो कुछ अलग है। ये देखिए कुछ ज़्यादा बकेट स्टाइल है और ब्लैक में है, अगर आपको दिख रहा होगा। ये देखिए ब्लैक और रेड स्टिचेस हैं। चार्जिंग ऐसे होगी अंदर से। तो ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम गाइस मेन, इसमें आपको सारे फीचर मिल जाएंगे। और सेंटर में यहाँ आपको आर्म रेस्ट मिल जाएगी, ये काफ़ी लग्जरी है यार एस्टर से। तो यहाँ आपको कप होल्डर पर कैप आ जाएगा, यहाँ ऊपर आपको इलेक्ट्रिक पावर और ये ऑटोमेटिक में आती है गाइस। ये देखिए पी पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल एंड डी ड्राइव मोड, और इसमें मोड भी आते हैं जैसे कर्व मोड हो। ये देखिए आपको दिख रहा होगा तो कर्व मोड आता है, इसमें बैटरी आ जाएगा। और जो स्टेयरिंग है वो सेम एज एस्टर जैसे कर दिया है। इसमें गाइस आपको ये वाला नहीं मिलेगा एस्टर वाला, इसमें आपको जो मिलता है फीचर भी मिलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट मिल जाता है आपको जैसे एस्टर में आता था। और उसके बाद आपको रेयर क्रॉस, ट्रैफिक अलर्ट, ये सब कुछ मिल जाएगा। बाकी साइज़ और कंपैक्ट सब कुछ ही ये एस्टर जैसी है। अंदर से आपको ये वाला मैनुअली मिलेगा, यहाँ भी आपको ये वैनिटी मिरर मिल जाएगा। ये देखिए अभी ये सेम एज एस्टर जैसे। तो अभी ये इसको ऑन कर दिया जैसे मैंने, तो ये चार्जिंग हो रही है। ये देखो गाइस 67% चार्ज हो रही है, रेंज भी बताता है कितनी कितनी हो रही है। सेम ही इन्होंने जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये सेम एज एस्टर जैसा कर दिया है। सेटिंग में जाऊंगा सबसे पहले इसकी जो है व्हीकल सेटिंग में, जहाँ मुझे सब मिल जाएगा। लैंप इसके इंटेलिजेंस कर दिए, रेयर ड्राइवर सिस्टम मिल जाएगा, लेन चेंज, ब्लाइंड स्पॉट, रेयर क्रॉस ट्रैफिक और हिल डिसेंट। जैसे मैं तराई में उतर रहा हूँ तो ये गाड़ी होल्ड हो जाती है अपने। और पेडेस्ट्रियन अलर्ट, ये वाले फीचर मिलते हैं। और इसमें भी आपको अडॉप्टेड यू है क्रूज़ कंट्रोल मिलेगा और 360 कैमरा मिल जाएगा। होप सो गाइस गाड़ी अच्छी लगी हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये देखिए इसकी MID, सेम एज एस्टर। गुड बाय ओके गाइज, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना।